हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं हूँ किचन में, दिख गया होगा आपको किचन का सामान देख के। खाना मैं भी खाना बना रही हूँ और मैंने आज व्लॉग जो है वो लेट स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम। और ये मेरे वाइट बाल, ये जो वाइट बाल है ना, ये आगे ही निकलते, ये पीछे निकलते ही नहीं है। मतलब क्या चाहते ये मुझसे समझ में नहीं आता है। एक तो जिंदगी मतलब है ही झंड बुढ़ापे की तरह, और 100% जो होता है ना, वो आपके जो बाल होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, बस मिला जुला के एंडिंग पॉइंट पे आ जाते हैं हम लाइफ के। और जो भी मोटिवेशन होता है काम को लेके, उस पर सारा सत्यानाश हो जाता है। मतलब वो सारा मिट्टी प्लेट हो जाता है, उसके ऊपर तो कुछ बचता नहीं है। तो ये मैं वाइट जो बाल है ना, इससे मैं इतना परेशान हो गई हूँ। मतलब ये 300 रुपये का 400 रुपये का कलर खरीद के लाओ, वो 1 महीना चलता है, फिर 20 दिन के बाद वो फिर वो डिसकलर हो जाते हैं, फिर से ये। और सबसे बड़ी बात पता है क्या गाइस, ये जो वाइट वाले हैं ना, ये आगे ही निकलते, पीछे क्यों नहीं निकलते? यहाँ जड़ों में निकले, पीछे निकले, यहाँ निकलती नहीं, आगे एंड फ्रंट पे निकलते। और एक तो इतने ज़िद्दी होते हैं, कितना भी डाई कर दो, कलर कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब ब्लैक होती ही नहीं है। मतलब स्किन ब्लैक हो जाए वहाँ की यहाँ की, बट बाल ब्लैक नहीं होते। अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना में क्या बना रही हूँ मैं खाना बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी आ गई है। वेलकम गुनगुन। लो खाना। मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और मैंने अपने लिए बनाई है थोड़ी थोड़ी सी चाय, और मैं इसको धूप में बैठ के पीऊंगी चाय, और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर सोचूंगी शाम को क्या करना है। तो धूप दिखाओ, मैं बालकोनी में बोल रहा हूँ। ये मैंने कपड़ा टांग रखा था पानी वाले के लिए कि आज पानी नहीं चाहिए। मैं बना रही हूँ अभी टमाटर की चटनी और आलू का पराठा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी फोन चलाते चलाते, तो मैं अब यूट्यूब और अपने लिए बना रही हूँ थोड़ा सा, और ये टमाटर की चटनी, और ये मैंने आलू चढ़ा रखा है। आलू का पराठा बनाऊंगी मैं, और सत्यम शिव गुल्लू का मतलब खाने का बहुत मन था, इसीलिए इतनी ठंड में ये लोग मेरे से बहुत सारा काम करवाते हैं, सुबह दोपहर शाम इतना सारा काम करवा के फिर बोलते खाना अच्छा नहीं बना है। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि अब ना ठंड ठंड पड़ गई है ना, तो ठंड में मन करता है चाय पीने का, मेरा बहुत मन करता है। भाड़ में गई डाइट फॉलो नहीं हो पा रहा मेरे से आजकल। अब मैं आलू के पराठे बना रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ खा लूँ क्या, एक खा लेती हूँ सुबह, उठ जाऊँगी वर्कआउट करने। बस सुबह तो आँख खुलती नहीं, आँख तो तब खुलती जब वर्कआउट का टाइम निकल गया रहता है, तो फिर हो नहीं पाता मेरे से। बस मन करता है सोती रहूँ। और गई, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ना मीशो से कुछ बुक किया था, वो मेरा पार्सल आ गया है, तो ये रहा मीशो से किया था, तो इसका मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, तो अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती। तो इसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा कि मैंने क्या बुक किया था, फिर आपको पता चलेगा। ये बहुत ही प्यारा है, और ये गर्ल्स और लेडीज़ के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो वैसे इसको अगर देखना है तो आपको मेरे चैनल पे जाना होगा,
और वहाँ आपको दिख जाएगा इसका वीडियो। कप टूट गया है, 2 महीने हो गए सारे कप को टूटे, और मैं 2 महीने से सोच रही हूँ अब जाऊँगी मार्केट तो ले आऊँगी, अब जाऊँगी मार्केट तो ले आऊँगी, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ जिस काम के लिए वो काम करके आ जाती हूँ, और घर आके चाय पीने के टाइम पे याद आता है कि चाय का कप भी लेना है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज बच्चों को खाना खिला के जब मैं सोने जाऊँगी तब तो मैं फ़ोन चलाऊँगी और मैं उसी समय बुक कर लेती हूँ कप, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाते हैं, मेरे लिप्स भी जल जाते हैं। और मैं अपने फेस का भी ख्याल नहीं कर रख पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मन ही नहीं करता कुछ करने का, बस मन करता है फ़ोन चलाऊँ और कंबल ओढ़ के सोई रहूँ, और यही सच्चाई है, यही मेरा मन करता है। फिर बाद में याद आता है काम तो मुझे ही करना है घर का काम, तो फिर मैं उठती हूँ चाय बनाती हूँ, चाय पी के फिर काम शुरू। बहुत अच्छी चाय है। वहाँ पे स्टडी टेबल लगा रखा है और ये गधा रिंग लाइट ऑन करके फिर पढ़ता है बैठ के, मतलब इतना बदमाश है सत्यम। और अभी बालकोनी में वॉक कर रहा है ये, मतलब रिंग लाइट लेके, मेरा रिंग लाइट लेके फिर पढ़ने बैठता है, मतलब पता नहीं क्या है, सारी रात ये फ़ोन चलाते हैं और फिर बोलेंगे पढ़ने में मन नहीं लगता, मन तो सारा फ़ोन में लग जाता है तो पढ़ाई के लिए मन बचता नहीं है इनके पास, तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। तो गाइस मैंने चाय पी ली है क्योंकि थोड़ी सी बनाई थी 2 घूंट, तो अब जा रही हूँ मैं आटा गूंदने और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जो मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की उसका कलर ना हल्का ब्लैक सा हो गया, क्योंकि क्योंकि बना तो मैं रही थी टमाटर की ही चटनी, और वो लोहे की कढ़ाई में जो बना दिया ना उसका जो कलर है वो मैं दिखाती हूँ, पता नहीं चीनी डालना पड़ेगा क्या इसमें, नहीं, नहीं, नहीं। चीनी नहीं डालना है ना, चलो अब ये बन गया है। तो गाइस मैंने आलू के पराठे बना लिए और सत्यम शिवम गुन्नू को खिला लिया, और मेरा बहुत मन कर रहा था मैं भी जा रही हूँ खाने, एक ही खाऊंगी बट मैं खाऊंगी जरूर। तो गाइस ये जो आज का ब्लॉग है, ब्लॉग मेरी इंग्लिश थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।